हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। हमारा ब्लॉग हो गया स्टार्ट और मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, एंजल मजे कर रही है। अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आने में टाइम है, तो एंजल अभी एंजल को यहाँ बैठा दिया है, तो एंजल खेल रही है। इस बार मेट्रो में भी नहीं रोई है ये, इसके डैडी और ये दोनों बैठे हुए हैं। काफ़ी भीड़ है स्टेशन पे और टाइम 3:20 है। हम लोग जल्दी आ गए हैं क्योंकि ना पहले हम लोग लेट आए थे, तो ट्रेन निकलने वाली थी, इस बार मैं जल्दी आ गई। 4 बजे की ट्रेन है तो हम लोग जल्दी आ गए थे और ये हमसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं बैग का पहिया लगवाने के लिए ना, बहुत लग जाती। अभी एंजल कितने मज़े से खेल रही है, ये इतनी हंडो है ना, हंडे के नाम से देखो कितने मज़े से खेल रही है। हाँ ओ, ओ ये देखिए, देखिए डर भी लग रहा है, कभी गिर ना जाए, रपट रही है ना चेयर। इनसे बातें कर रही है, इनसे बातें। तेरा जी नहीं लग रहे गले, नहीं लग रहा तेरा जी? ये बहुत हंडो है, हंडना चाहती है हमेशा, जी नहीं लग रही है ना। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, यही ट्रेन है, तो अभी एंजल लोग कितना एंजॉय कर रही है। चलो अभी हम अपना चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। एंजल चलो, एंजल यहाँ पे बैठ के ले रही है सफ़र का, एंजॉय कर रही है विंडो से देख के। इसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है ना, देख लो बेटा, देखना रे, देख लो, फूडी भी फूडी कर लिया एंजल ने, है ना बेटा। हाँ ऐसे बहुत देर से विंडो में बैठी हुई थी एंजल। मैंने सोचा वीडियो ही बना लेती हूँ। ओए देखो देखो, तो अभी ये मुरादाबाद आया है, अभी हमें काफी टाइम लगेगा। देखो ऐसे एंजॉय ले रही है जैसे आप खड़ी है। और एंजल यहाँ पे बैठ के ले रही है सफ़र का, एंजॉय कर रही है विंडो से देख के। इसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है ना, देख लो बेटा, देखना रे, देख लो, फूडी भी फूडी कर लिया एंजल ने, है ना बेटा। हाँ ऐसे बहुत देर से विंडो में बैठी हुई थी एंजल। और ये एंजल के डैडी अगले दिन जा रहे थे सुबह को, मतलब वो पापा को देखने आए थे। ये भी मैं रात को कोई भी क्लिप नहीं बनाई, बहुत थक गए थे, आके खाना खाया बस सो ही गए थे रात में, तो हम लोग इसलिए कुछ वीडियो नहीं बनानी हुई। दोनों चीजें हो जाएंगे उसमें, क्योंकि मैरिज का भी रहेगा, एनिवर्सरी का। भाभी जी आप भी आओगे ना, सब लोग आने इकट्ठे हो गए, एक बार तो फर्द हुआ। कमरे में खाली जगह ना होनी चाहिए। तो अभी ये लोग जा रहे हैं, कार हमारी आगे खड़ी है तो वहीं से बैठेंगे, यहाँ पे नहीं थी। अब सब लोग हम लोग खड़े हैं, एंजल के डैडी चले गए हैं,
तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अचानक से अपने मायके क्यों आई, मैं अपने पापा जी को देखने के लिए आई हूँ। पापा जी का ऑपरेशन हुआ है तो अभी थोड़ा उठ बैठ सकते हैं, तो बाहर बैठे हुए हैं। पापा का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। देखो हेलो बोल रही है, अरे हेलो एवरीवन, कैसे हो सर? कैसे हो सर? और सब लोग पापा जी के लिए दुआ करना कि जल्दी जल्दी से अच्छे हो जाए। थोड़ा दो, ये रो रही है। तो पापा ये हैं अभी ज़्यादा, हाँ हेलो कर रहे हैं। तो इसका देखो ये रो रही है। नहीं छिपी नहीं रो रही है ना छिपी? छिपी बोलो कि पापा जी के लिए बोलना सब लोग, मैं पापा जी ठीक हो जाए। बोलना कि बाबा जी ठीक हो जाए। हाँ तभी मैं संभाल लेती हूँ एंजल को। बस थोड़ी मैं आपकी पापा जी से बात करना चाहती हूँ। पापा जी ने हेलो कर दिया है तो सब इसका मतलब है पूछ रहे हैं कैसे हो सब लोग, तो बताना। अभी शाम का समय है तो एंजल यहाँ पे बैठी है। पापा जी अभी थोड़ा घूम रहे थे, छोटी सिस्टर बात कर दिया। ये मेरी बेबी बैठी हुई है ना? तो मैं अभी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जब तक छोटी सिस्टर यहाँ पे थी तो पापा की दवाई का सारा जिम्मा इसी के ऊपर है, तो ये पापा की दवाई रूटीन के हिसाब से देती है। अभी जब तक ये रहेगी पापा जी को स्वस्थ कर देगी और अच्छे से, तो उनके खाने मतलब पानी वानी जो भी देना होता है गर्म वगैरह तो यही देती है, मतलब ऑल ओवर काम यही करती है हेल्थ का उनका। और इधर ये लोग खेल रहे हैं, एंजल अभी यहाँ पे एंजॉय कर रही है। पहले तो फ़ोन पे बात कर रही थी लेकिन फिर दवाई का टाइम भी हो चुका था पापा जी का, तो इसलिए सिस्टर दवाई देने लगी है ना। गुस्सा तो नहीं आया पहले की तरह? बाबा अभी अपने बिस्तर पे बैठ चुके हैं। कम करी है, कुछ कम करी है, बाकी वही दी है। और रात भी हो ही चुकी है, अंधेरा हो गया है काफी। तो मैं अपनी वीडियो का कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो काफी रात हो गई है, खाना भी हमने नहीं खाया है, भाभी खाना बना रही है। तो आइयो फ्रेंड, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो हेलो बोलो, हेलो ध्रुवी ध्रुवी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 करो शिवी, टेक केयर, लव यू ऑल, बोल दो सबको, लव यू।